अभी आज लिख के ले लो, इंडिया ने तीसरा T20 भी मैच जीत जाना है अच्छा। और पाकिस्तान के ये मुझे हालात लग रहे हैं अगले तीनों को तीनों हारने हैं अच्छा। अब ये मैं नहीं कह रहा, अब किसी भी आवाम से जाके पूछ ले, पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए हैं यार। जो लोग कह रहे हैं विराट कोहली नहीं चले, विराट कोहली ही चला है। अगर देखे तो आपने स्टेडियम की, जरा आपने शायद क्राउड को नहीं देखा, क्राउड वॉज शाउटिंग विराट 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 कोहली 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 हर जगह से आवाजें आ रही थी। तो इस वजह से आ रही थी क्योंकि विराट कोहली जो है ना वो ना चल के भी चल जाता है, शेर शेर ही होता है। कभी भी नहीं हारेंगे, इंडिया की टीम अफगानिस्तान से कभी भी नहीं हारेगी। मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि इंडिया क्यों नहीं, हम हार गए थे, इंडिया क्यों नहीं हारेगी भाई। हमारी तो बात ही ना करो, हम तो जिम्बाब्वे से भी हार सकते हैं, अफगानिस्तान से हार सकते हैं और दूसरे वेस्ट इंडीज से, छोटी छोटी टीमों से हार सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है अफगानिस्तान। लेकिन आपको भी पता है, हमें पता है कि इंडिया के पास पैसा बहुत है, उसने हर जगह पैसा, जो मुझे ऐसा मेरे जहन में ऐसा लगता है कि इंडिया ने पैसे देकर अफगानिस्तान से मैच जीता। ओ जाओ भाई, क्या कहीं जा रहे हो, कल उनके सामने सबके सामने मैच हुआ है यार। यार अफगानिस्तान भी अच्छा खेला भाई, उसने 172 का टारगेट दिया, लेकिन इंडिया ने 15 ओवर में खत्म किया। मेरी बात सुने, जितना हैंडसम स्कोर था एक थोड़ा बहुत तो टफ होना चाहिए था। इट्स मीन अफगानिस्तान के बॉलर इतने भी हल्के नहीं है, यानी कि राशिद खान टॉप 5 में आता है। तो राशिद खान तो था ही नहीं टीम में, खेल ही नहीं रहा था वो क्रिकेट के, जो हॉकी के थे ना, अल्लाह करे पाकिस्तान की क्रिकेट उस तरह जाया ना चले जाए, वरना जो हॉकी के हालात अगर वही हो गए तो कुछ नहीं बचने वाला। मैं कहता हूँ यार, पूरी पाकिस्तानी टीम को ना एक दफा इंडिया भेज दो, वहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं यार जा जनरल स्कोर करें, वो अफगानिस्तान से हार जाए। ये इंडिया की टीम है भाई, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, कभी भी नहीं हारेंगे। मेरे नहीं, मैं मान नहीं सकता, कभी भी नहीं हारेंगे। इंडिया की टीम अफगानिस्तान से कभी भी नहीं हारेगी। मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि इंडिया क्यों नहीं, हम हार गए थे, इंडिया क्यों नहीं हारेगी भाई। हमारी तो बात ही ना करो, हम तो जिम्बाब्वे से भी हार सकते हैं, अफगानिस्तान से हार सकते हैं और दूसरे वेस्ट इंडीज से, छोटी छोटी टीमों से हार सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है अफगानिस्तान, मीन्स कि हमारा और इनका मतलब कि हम वो आज हम दूसरा मैच चेस भी हार गए हैं। बाबर अच्छा चले थे भाई, बाबर हमेशा ही अच्छा चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, बाबर अच्छा ही खेलता है। ये तो पता नहीं क्या इनको तो देखे, एक बड़े प्लेयर का मैच की टीम के अंदर होना ही एक बहुत बड़ी बात है, लोगों को उसी चीज़ से कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जहाँ तक लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, उनका मेरे ख्याल में 180 प्लस का स्ट्राइक रेट था और 29 का स्कोर उनकी तरफ से आया बहुत कम बॉल्स पर, तो ये एक बहुत अच्छी रिमार्केबल इनिंग उनकी तरफ से खेली गई, एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया। जहाँ पर आपको खुद पता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल सकी, वहाँ पर वन डाउन में आना एक प्रेशराइज काम था, जहाँ पर विराट कोहली मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। और अफगानिस्तान के खिलाफ उनको लगा कि इतना ही कंट्रीब्यूशन बनता है, आगे मेरी छोटे जूनियर जो है वो संभाल लेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, दोनों टीमें के लिए डिफरेंस ये है कि दोनों टीमें एक्सपोज हो गई है, ठीक है, अपना इंडिया एक्सपोज हो गया, इसलिए कौन हुआ दोनों ही है, पूछो भला कैसे इंडिया हुई है। इंडिया का ये पता चल गया कि इंडिया वर्ल्ड कप के लिए रेडी है, ठीक है, वो वर्ल्ड कप जीत गया। पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप के लिए रेडी नहीं है, वो उसने खा गए, वो उसने जाके जलील होना है, उस साथ अभी भी जलील करना है, ऊपर से वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये साइज कर रहा है क्योंकि बाबर फिनिश नहीं कर रहा। लोग विराट कोहली की बात करें तो अगर आप विराट कोहली की बात कर दे तो फिर विराट कोहली के अगेंस्ट जो वो कड़ा था हमारे खिलाफ जो कड़ा था, तो हाँ जी हार्दिक पांड्या भी उस साइड पर वो उसको सपोर्ट दे रहा था, बाबर को किसने सपोर्ट दी थी, तो किस बेस पे हम कहें यार पाकिस्तान के पास बॉलिंग है, जो थे वो अब फंदे खान बन गए, वो तो समझते हैं भाई जो पाकिस्तान की टीम है तो हमारे से हम बाल करें ना करें ये हमारी टीम है, बिल्कुल। तो बॉलिंग मेन मसला बन गया, क्योंकि बैटिंग देखिए दुबे ने जैसे मारा, दुबे तो भाई चेज मास्टर निकला, उनका नए से नया आ रहा है प्लेयर, और हमारे हालात देखें, हमारे जो पुराने वो भी जाए जा रहे हैं भाई। हमारे जो है ना यहाँ पे क्लास नहीं देखी जाती, यहाँ पे सिर्फ रिश्वत चलती है। और इंडिया में तो क्या बात है यार, उनकी शिवम दुबे आप देख लें, ऐसा खेलता है बंदा वो कि कमाल है यार। और जसवाल तो उससे भी अच्छा है, मैं तो कहता हूँ ये कोहली से भी अच्छा है, कोहली की तो अपनी क्लास है, लेकिन जसवाल और दुबे की तो अपनी क्लास है भाई, मैच फिनिशर है वो। वो चले वो ना हो, लेकिन बाकी बॉलर भी यार, उन्होंने बॉलर रखे हैं टीम में, कोई ऐसे आलतू फालतू तो नहीं ना, यानी कि गली क्रिकेट थोड़ी थी, 15 ओवर में 100 इतना हैंडसम टारगेट करना, इतना पाकिस्तानियों से जब भी बात कर लो, इंडिया जीत जाए, इंडिया अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए, इंडिया दूसरी टीमों को मार दे, ये कहते हैं उन्होंने पैसे दिए, इनके ख्याल से ये ऐसे क्रिकेट खेलते हैं, इनमें परफॉर्मेंस की बात नहीं। मेरी नहीं, आपका बात करने का मकसद तो यही है ना जी, मेरा बात करने का मकसद यही है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं, मैं क्या जानता हूं, मैं तो ये जानता हूं भाई इंडिया परफॉर्मेंस दिखाता है। बात सुने, इंडिया परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, इंडिया खरीदता है टीमों को। इंडिया ये जो तीसरा मैच, पहले दो मैच भी इंडिया ने मजाक में जीते हैं, तीसरा मैच जैसे इंडिया इससे ज्यादा मजाक में जीतेगा अच्छा। क्योंकि इंडिया जोन से ना वो अफगानिस्तान टीम क्या यार, इंडिया क्या, आप खुद बताएं, इंडिया का मुकाबला बनता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीम से, उनको तो पिछाड़ दिया, वो भी नहीं इस काबिल रहे, मुकाबला बनता है क्योंकि टक्कर का मुकाबला होता है, मैच देखने का मजा आता है। ये तो वन साइडेड मैच हो रहे हैं सारे, सबको पता है कि यार इंडिया ने बड़ा धूमधाम बैटिंग करनी है, बॉलिंग करता है, क्योंकि इंडिया ने अपने सीनियर बॉलर्स नहीं खिलाए, सिराज बुमराह और शामी नहीं खिलाया, उन्होंने यंग बॉलर्स
को अपॉर्चुनिटी दी और यंग बॉलर ने नो डाउट प्रूव करके दिखाया कि भाई हम जगह बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। सिराज शामी का नाम ले रहे हैं आप, वैसे ही कहें कि इंडिया के अंदर वो प्लेयर जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, ठीक है, मैं खुद कहता हूँ कि जिसका मुझे नाम नहीं आता, शहीन उसके साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। 130 पे बॉल कर रहा है यार, कोई खुदा का नाम लो, टीम के कैप्टन हो। हमारे पास फिनिशर कब आएंगे? मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आ सकते। उसकी वजह ये है कि जब तक हम मेरिट पे नहीं लेके आएंगे, क्लास पे नहीं लेके आएंगे, हमें अच्छे प्लेयर मिल ही नहीं सकते। अगर आप PSL देख लें तो PSL में टोटल आप देख लें तो रिश्वत चलती है या उनके अपने सिलेक्टर्स होते हैं, वो उनको सिलेक्ट करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो टेंशन ले भी किस चीज़ के, अफगानिस्तान की अब टेंशन लेने लग जाए। नहीं, अब वो कह रहे हो कि इतनी सीरियस हो गई। वही तो मैं कह रही हूँ, वो अफगानिस्तान के सामने सीरियस हो जाए तो इसी वजह से उन लोगों ने तो बस ऐवी मतलब जो है ना T20 के अंदर जो है वार्म अप के लिए जो है अफगानिस्तान और इंडिया के मैच में उन लोगों ने जो है वो स्क्वाड के अंदर है, वरना उनको कुछ खास जरूरत नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट कैसा है और विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कैसा है, तो हम लोगों को कुछ इस टाइप के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह आ गई जी कि वो लोग स्लोली खेल रहे हैं या लाइट मोड में खेल रहे हैं, तो अफगानिस्तान से उन लोगों ने सीखा है, वो लोग तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अफगानिस्तान की। बोला करेगा अच्छा। क्योंकि इंडिया अब रैंकिंग के अंदर माफी नहीं देने वाला, इंडिया अपने बॉलर्स को पूरा कह रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले जिस टीम को दबाना दबा दो अच्छा। और इंडिया दबाने वाला बिल्कुल है, इंडिया ने अफगानिस्तान को भी छोड़ना, आप कल पाकिस्तान की और इंडिया के बायलैटरल सीरीज करवा लें अच्छा। पाकिस्तान आपको एक्सपोज होता नजर आएगा। इंडिया जितने जोश से आया है ना, जिस तरीके से हर टीम को एक्सपोज कर रहा है, दुनिया की कोई भी टीम इंडिया को नहीं हरा सकती यार। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं अपने लाइक मेरे की जाति फेवरेटिज्म नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस कह रही है। आप खिलवा के दिखाएं उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया को गो अप भाई, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा था ना, दोबारा मैच करवा के देख ले कौन जीता। आपने देखा ही होगा KR राहुल ने जैसे उनको ODI के अंदर पछाड़ा था, उसके बाद भाई सारी टीम चेंज ना करें। मैं आपको बेहतर बता रहा हूँ, नसीम शाह ले हैं और एक अब्दुल्ला शफीक को ले हैं। इंडिया में चेंजिंग की जरूरत है? इंडिया की यकीन माने चेंजिंग की जरूरत है ही नहीं। इंडिया की टीम तो क्या बात है यार, उनकी ये टीम नहीं खेल रही, उनकी टीम नहीं खेल रही, पूरी नहीं है। ओहो क्या बात है यार, फिर तो आप भी देख ले, मैं क्या बात करूँ, आप भी अंदाजा लगा ले। इंडिया का मुकाबला, इंडिया का कोई किसी किस्म का मुकाबला है ही नहीं। हम खरीदता है नहीं तो पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है ऐसे करते हैं। नहीं पाकिस्तान अपनी, पाकिस्तान तो अपनी करतूतों की वजह से हारता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अगर 130 का टारगेट भी दे तो इनसे बहुत मुश्किल से जाओ। भाई कहाँ बात कर रहे हो, 2022 में क्या किया था, विराट कोहली ने कितना फड़काया था। ओए यार फड़काया था, विराट कोहली था बिग बैट्समैन और विराट कोहली बहुत अच्छा बैट है, दुनिया का एस्टीमेट सब ये आप मानते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप रिश्वत की बात करते हो। लेकिन रिश्वत दी होगी उन्होंने, आप जो मर्जी कर लो भाई, वो सीरीज जीत चुके हैं, ऐसा करने से वो नहीं आप जो जीत चुके हैं, लेकिन जो जीतना होता है ये हम सबको नजर कि वो बेचारे जो है वो आ जाए वर्ल्ड कप की टीम के अंदर जो है वो क्वालिफाइंग मैच में जो है वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है लास्ट में मुझे बताया, पाकिस्तान का भी मैच था, क्या कहेंगे उस वाले से, लास्ट में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, कहाँ पे लूज हमारे जिसकी वजह से हम मैच आज हार गए। मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में तो मैं यही कहूँगी प्रोग्राम तो बढ़ गया, टेंशन जो है ना वो ये है कि भाई पाकिस्तान की टीम जो है ना वो इस वक्त बहुत ही बुरे हालात में है, बहुत ही बुरे हालात। एशिया से लेके अभी तक कोई परफॉर्म नहीं कर रही, कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, कोई जो है वो इस तरह मतलब लाइक प्राउड से बताया जाए ना, मतलब अभी आप एशिया कप देख ले, कितना टाइम हो गया एशिया कप को, सेप्टेम्बर से अब तक की परफॉर्मेंसेज में हम लोग देखे ना तो अभी तक स्टिल हम ये कोई भी ऐसा मैच कह नहीं, बहुत बुरे हालात जा रहे हैं सारी टीमों के। क्योंकि इंडिया जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर रहा है, आप देखिए मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ का खरीदने के, 24 करोड़ का क्यों खरीदा है, बिल्कुल इसलिए खरीदा है कि वो अपने जूनियर्स को बताएं कि मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप खेल सकते हो IPL के अंदर खेल के बताओगे। जब वहां से प्लेयर ग्रूम होकर आगे निकलते हैं ना तो टेंशन ही कोई नहीं होती यार। इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट को लाइक कहते हैं ना राज कर रहे हैं ना, बिल्कुल बनता भी है, सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली के बाद KR राहुल, अभी ये शायद भी जायसवाल ने आप बैटिंग देखें, लाइक दुबे को देख ले सर 33 या 34 बॉलों में 68 स्कोर किया है, शिवम दुबे ने 32 से 33 बॉलों में 63 स्कोर किया है, तो ऐसे कौन से पाकिस्तानी बैट्समैन कर सकते हैं।